परेशानी क्या है आपको? रातों में कम रोशनी में दिखाई नहीं देता। रात में और कम रोशनी में नहीं दिखाई पड़ता है, तो ये पड़ता है, तो ये कब से शिकायत है आपको? तो बचपन से ही सर। धीरे धीरे बीमारी या ये परेशानी बढ़ती गई या जैसी थी वैसी है? तो बढ़ रही है सर, धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले आप थोड़ा बहुत चल फिर रहते थे, अपना काम कर लेते थे जी, पर अब नहीं कर पा रहे हैं जी, अब बहुत परेशानी हो रही है। ये आपको ज्यादा परेशानी कब से हो गई? इधर से सर हमको लगता है 5-6 साल से बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। 6 साल से बहुत ज्यादा परेशानी है। तो आपने बिहार में कहीं किसी को दिखाया था? बिहार में सर बहुत जगह दिखाए, तो मतलब सब जगह बोला रेटिना पिगमेंटोसा, कोई इलाज ही नहीं है। हर जगह आपको एक ही चीज कही जी? पटना ही में 2-3 डॉक्टर जगह 2-3 अस्पताल में दिखाए, वहीं सब बोल दिया कि नहीं है इसका इलाज। तो आप डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ कैसे पहुँचे? यूट्यूब पे देखे सर, यूट्यूब पे देखे। यूट्यूब पे आपने दूसरे मरीज ठीक हो रहे हैं करके देखा और आज आपने इलाज कराने आए हैं जी। और आपने अभी आपके चेकअप में देखा कि आपको पेरिफेरल विजन में सिर्फ 2 इंच के सर्कमफ्रेंस में दिख रहा है दोनों आंखों में, दूर का भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और पास में भी आपको लेटर्स दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्या दिख रहा है ये? ये सर 12 ये कुछ भी नहीं सर, नहीं दिखता है। अब कुछ भी नहीं सर, नहीं है अब, नहीं सर नहीं दिख रहा है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ साथ आपको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी भी है, ठीक है जी। क्या परेशानी होने लगी? गाड़ी उड़ी चलाने में सर, रात में निकलने उकलने में दिक्कत होने लगी सर। क्या होता था गाड़ी चलाते समय? तो कुछ पता ही नहीं चल पाता सर, अंधेरा में लाइट है तो चल, कुछ पता भी चलता था, अंधेरा में तो पता ही नहीं चलता था, धक्का लग जाता था एक्सीडेंट हो जाया करते थे, है ना जी सर। और घर में भी कुछ प्रॉब्लम आने लगी धीरे धीरे आपको? हाँ सर, घर में भी अगर धूप से अंदर जाते थे तो पता नहीं चलता था, हाँ, टकरा जाता था। और ये चढ़ने जीने चढ़ने उतरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में तो सर अगर धूप तेज रोशनी से आ रहे हैं सर तो कम रोशनी में दिखता ही नहीं था, कुछ समय लगता था 5-10 मिनट एडजस्ट। अच्छा, अंधेरे से आप घर में से बाहर निकलते हैं तो आपको क्या दिक्कत होती थी? उस समय तो उतना दिक्कत नहीं होती थी सर, रोशनी तेज धूप से अंधेरे में जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत। घर पे खाना वगैरह खाने में कोई दिक्कत? हाँ सर, कम रोशनी में नहीं खा पाते थे और पूरा थाली नहीं देख पाते थे। हाँ सर, कभी कभी खाना खा लेते हैं, कुछ आइटम बचा ही रह जाता था, बाद में पता चलता है ये तो कौन है वो। कोई रास्ते में आपको रोकता है, बात करता तो आप पहचान नहीं पाते? नहीं, उसकी आवाज पकड़ के बताते हैं कि वो फलाना है वो है। परेशानियाँ कब से हो गई आपको? बच्चा ही से था सर। तो बचपन से ही ऐसा होता था? अभी आप नौकरी करते थे जी, तो नौकरी का किस कारण छोड़ी आप? एकदम गाड़ी चलाना रात में एकदम शाम में बिल्कुल एकदम मेथी हो गया सर, चल ही नहीं पाता एकदम, गाड़ी नहीं चला पाते थे, एक्सीडेंट का डर लगता था जी, एक्सीडेंट भी कई बार हो चुका। हम कोशिश करेंगे आपकी, ये आपका जो है पेरिफेरल विजन चार्ट है, इसमें आपको देखा आपको सिर्फ 2 इंच की सर्कमफ्रेंस में दिखाई पड़ रहा है, इससे ज्यादा आप इसके आउटसाइड में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो आप नहीं देख पाते हैं। तो दोनों आंखों की स्थिति आपकी यही है, और जो भी पेरिफेरल विजन चार्ट में सेंट्रल विजन चार्ट में जो भी आपको फर्क आएगा वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार। पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है, रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकार में। आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है और इसमें आपको कुछ फर्क महसूस हो रहा है? पहले से तो कुछ बढ़ा है सर, डबल हो गया, जस्ट डबल हो गया है। आप नियर अबाउट 2 इंच की पेरिफेरी में देख पा रहे थे, आज आप करीब करीब 4 इंच की पेरिफेरी में पहुंच गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपका पेरिफेरल विजन चार्ट बढ़ना शुरू हो गया है। इसी तरह आपकी नजर बढ़ती रहेगी तो धीरे धीरे आप दुनिया जिस तरह से पहले देख रहे थे वैसे ही देखना शुरू हो जाएंगे। अभी रास्ते में आते जाते में जो टकरा जाते थे, गाड़ी चलाना बंद हो गया था, नीचे के गड्ढे वगैरह नहीं दिख पाते थे, थाली के पास रखा हुआ सामान नहीं दिख पाता था, तो वो सब चीजों में अब फर्क आना शुरू। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में स्थित गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास एक हॉस्पिटल है, जी हाँ, जैन नेत्र चिकित्सालय।